हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज अंबिका सिंह यू आर अकाउंट्स एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन

मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर वन के हैं ठीक है तो जल्दी से वीडियो को लाइक like, शेयर कर दो सो so दैट हम आज की क्लास को स्टार्ट करें और कुछ क्वेश्चन देखें मल्टीपल चॉइस वाले चलो तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्या कह रहा है दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कुछ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में ये पूछ रहा है देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस के बेसिस पे पूछ सकते हैं मीनिंग के बेसिस पे पूछ सकते हैं किसी के बेसिस पे भी पर इससे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है और आपको अलग अलग ऑप्शन देखे रखे तो चलिए जल्दी से ऑप्शन

इसमें लिखा है मीन सेम एंड आर यूज क्या हम दोनों को एक एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं मतलब बुक कीपिंग को अकाउंटिंग की जगह अकाउंटिंग को बुक कीपिंग की जगह और या ये दोनों सेम हैं या फिर ये दोनों अलग हैं ठीक है ठीक है या फिर ये दोनों अलग हैं है और इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा क्या लगता है आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डज नॉट मीन सेम ये दोनों सेम नहीं है मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी सुनने में एक जैसा लगता है पर ये एक नहीं है ये अलग अलग टर्म्स है और हम इनको एक दूसरे की जगह भी यूज़ नहीं कर सकते यदि आप तो जो बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग बोल दो अकाउंटिंग की जगह बुक कीपिंग तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इनके मीनिंग में डिफरेंस है राइट तो इनको हम एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं कर सकते और इनका जो मीनिंग है वो सेम नहीं है समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन चलो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की हमने फील्ड पढ़ी थी राइट right? सारी अकाउंटिंग की फील्ड बताई थी अब यहाँ पे ऑप्शन देखो सबसे पहला है बुक कीपिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इनमें से कौन सा है जो सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का हमने बेसिकली अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है ये तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है जो कि अकाउंटिंग की फील्ड या अकाउंटिंग की ब्रांच का पार्ट नहीं है राइट right. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था ठीक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सो so दैट वो क्या कर सके डिसीजन ले सके तो ये हमने ब्रांच देखी थी सेकेंड ब्रांच हमने देखी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं right? राइट सारे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं चलो ये भी पढ़ा था फिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखा था जिसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आई है और हमें उस कॉस्ट को क्या करना होता है कम करना होता है ये तीनों देखी थी कहीं ना कहीं जो बुक कीपिंग है वो क्या है अकाउंटिंग की कोई ब्रांच नहीं है या अकाउंटिंग का कोई सब फील्ड नहीं है राइट right? ये एक डिफरेंट टर्म है और अकाउंटिंग डिफरेंट टर्म है तो अकाउंटिंग की ये तीनों ही ब्रांच हैं जो ब्रांच नहीं है वो है बुक कीपिंग राइट right? तो इसका आंसर क्या होगा बुक कीपिंग इज इट्स आंसर चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो उसमें आप इनमें से कौन सा वाला आंसर है जो रिकॉर्ड नहीं करते हो सबसे पहले है सेल्स ऑफ गुड या सेल्स ऑफ गुड तो आप रिकॉर्ड करोगे ना कि जब आपने कंपनी खोली आपने उसमें क्या किया प्रोडक्शन किया गुड गुड uh, बनाया और फिर उस गुड्स को आपने क्या किया सेल्स सेल पे भेज दिया मतलब आपने उसकी सेलिंग कर दी तो ये तो आप रिकॉर्ड करोगे ठीक है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता फिर हमारा पेमेंट ऑफ सैलरी सैलरी की पेमेंट करते हो ठीक है आपका बिजनेस है कंपनी एम्प्लॉ काम करता है आप उनको पेमेंट कर रहे हो सैलरी में तो ये भी क्या होता है भाई रिकॉर्ड होता है हमसे क्या पूछा है नॉट रिकॉर्डेड पूछा है ठीक है तो ये तो होंगे नहीं फिर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ ठीक है इस पर देखते हैं फिर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स हमने क्या किए गुड्स को परचेज किया किसके लिए प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है एनी गुड जो आपने क्या क्या परचेज किया तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है तो कौन सी चीजें जो रिकॉर्ड नहीं होती क्वालिटी ऑफ स्टाफ मैंने आपको बताया था कि वही चीज रिकॉर्ड होंगी जो क्या होंगी मनी के टर्म्स में मेजर होंगी तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम मनी के टर्म्स में नहीं बता सकते कोई एम्प्लॉय आपका कोई भी स्टाफ है कितना ही ईमानदार है ऑनेस्ट है कुछ भी है आप उसका क्या नहीं करते हो रिकॉर्ड नहीं करते हो अपनी अकाउंट्स में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हो ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि आप क्या नहीं करते हो किसी भी स्टाफ की एम्प्लॉय की कोई भी क्वालिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करते ठीक है समझ में आया ओके okay. नेक्स्ट वाला है with, ठीक है हमारा बुक बुक कीपिंग कीपिंग इज ठीक के बारे में आपसे कुछ पूछा है यहाँ पे सारे ऑप्शन देख लेते हैं बुक कीपिंग इज कंसर्न विद सबसे पहला कह रहा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डेटा इंटरप्रिटेटिंग डेटा फॉर इंटरनल यूजर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है किसके टर्म्स में बुक कीपिंग के टर्म्स में तो हमने बुक कीपिंग पढ़ा है क्या पढ़ा था हमने उसमें कि हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की राइट तो आंसर नंबर वन हो जाएगा हमारा जिसमें लिखा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है क्लासीफाइंग समोराइजिंग इंटरप्रिटेटिंग सारा हम का, काय में करते हैं अकाउंटिंग में करते हैं ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है ये किसका पार्ट है अकाउंटिंग का पार्ट है राइट right? तो ना ही ऑल ऑफ दी अबव होगा और ना ही ये बाकी के ऑप्शन होंगे क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होता है रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लियर हुआ ओके okay. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी स्टेज है अकाउंटिंग की जो क्या है लास्ट है तो so, सबसे पहले दिया है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनमें से लास्ट वाली स्टेज कौन सी है देखो हमने सारी पढ़ी है जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी अकाउंटिंगसी की वो हमने वन वन टू लास्ट सारी देखी है राइट right. तो so, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ट्रांजेक्शन की है ना सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई उसके बाद हमने क्या किया फिर प्रिपरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिर हम करते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में हमारा होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन राइट तो हमसे क्या पूछा था यही पूछा था लास्ट स्टेप पूछी थी देखो रिकॉर्डिंग तो सबसे पहले हो गई फिर प्रिपरेशन हो गई उसके बाद एनालिस और इंटरप्रिटेशन हो गया एंड देन लास्ट में क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं यूजर तक राइट right? जब तक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं होगी सारी चीज़ें नहीं होगी तब तक कम्युनिकेट कैसे होगा तो लास्ट स्टेज होती है हमारी क्या कम्युनिकेशन समझ में आया ओके अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बताया था क्या होता है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसका हमें बेसिक फंक्शन बताना है सबसे पहला है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन फिर है रिप्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा फिर है असिस्ट द मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज अबॉफ बताइए इनमें से कौन सी है हमारी बेसिक फंक्शन सो द करेक्ट आंसर इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है ठीक है बाकी के जो है वो नहीं है देखो इंटरप्रिटेट करना फाइनेंशियल डेटा या फिर असिस्ट करना मैनेजमेंट को तो ये तो क्या हो गया मैनेजर अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया हमसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा था तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सेवेंथ है हमारा ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट फ्रॉम भाई जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लेजर में पोस्ट करते हैं राइट right, मैंने आपको बताया था कि जब हमने पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं लेजर में पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की तो वो एंट्रीज आपको कहा मिलती हैं यहां से बताओ वाउचर में मिलती हैं जनरल बुक में मिलती हैं बुक बैंक स्टेटमेंट में मिलती है या फिर नन ऑफ दी अब इनमें से बताना है कि कहाँ से आप एंट्रीज लेते हो और जनरल अकाउंट में पोस्ट करते हो तो इसका करेक्ट आंसर है जो मैंने आपको बताया था दैट इज जनरल बुक जनरल बुक में हम क्या करते हैं सारी जनरल एंट्रीज करते हैं पहले सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट लेजर अकाउंट में उनकी पोस्टिंग करते हैं ठीक है समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन ओके okay. अब अगला देखते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ये सारे आपको कुछ ट्रांजैक्शन देके रखे हैं राइट right. आपको बताना है कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है मतलब बिजनेस से जिसका कोई लेना देना नहीं है बिजनेस से रिलेटेड नहीं है आपको वो बताना है तो सबसे पहला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो ये तो लग रहा है कि हाँ भाई बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि हमने क्या किया बिजनेस में परचेस किया गुड को परचेस किया ठीक है फिर है पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटेड टू रुपीज टेन थाउजेंड हमने वेजेस दिए सैलरीज दी भाई बिजनेस में ये काम होता है जब आपके एम्प्लॉय काम करते हैं उनको आप सैलरीज देते हो वेजेस देते हो ठीक है ये भी लग रहा है फिर है पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रमाइसिस आपकी जो ऑफिस है जो भी ऑफिस की बिल्डिंग है या प्रोमाइसिस है उसका आपने क्या किया रेंट पे कर दिया रुपीज़ फाइव थाउजेंड ठीक है ये भी बिजनेस से रिलेटेड है लास्ट है परचेज अ एल ई डी टेलीविज़न फॉर पर्सनल फॉर रुपीज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखो भाई आपने क्या किया एक एल ई डी टी वी ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है है ना मान लो आपका ओनर है उसने टी वी ली या जो भी अपने होम के लिए जो भी मटेरियल लिया वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रांजेक्शन जो है वो पर्सनल यूज़ के नहीं होना चाहिए बल्कि कैसे होनी चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए तो ये वाला जो होगा हमारा राइट right ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बाकी जितने भी हैं ये सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं बस लास्ट वाला जो है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है इनमें से अकाउंटिंग का एडवांटेज हमने बहुत सारे एडवांटेज देखे थे और लिमिटेशन भी देखी थी तो बस आपको बताना है कौन सा एडवांटेज है सबसे पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी राइट शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये तो क्या है लिमिटेशन बता रहा है ना ये तो ड्रॉबैक हो गया तो ये तो होगा नहीं ये भी ड्रॉबैक हो गया राइट तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी ये हमारा एडवांटेज है क्योंकि हमने अकाउंटिंग से क्या किया सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली सारी चीज़ों की एंट्री कर ली तो अब हमें हमारी मेमोरी में ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ों को याद करने की क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं चीज़ों को रिकॉर्ड कर चुके हैं तो ये क्या हो गई हमारे एडवांटेज हो गए किसकी अकाउंटिंग की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेंथ वाला विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या विच इज द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपको इनमें से बताना है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है वन बाय वन देखते हैं सबसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना ये ये भी हो सकता है हमने ये भी पढ़ा है कि भाई क्या करते हैं अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही करते हैं फिर है टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस या फिर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस तो आप देख रहे हो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या लग रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं और हमने इन तीनों को ही पढ़ा है क्योंकि ये तीनों ही क्या है हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है तीनों चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का निकालना वो भी ऑब्जेक्टिव है एंड देन लास्ट में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है जो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है वो भी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है राइट right? तो ये तीनों ही क्या हो गए ऑब्जेक्टिव हो गए चलो जल्दी से वीडियो को जल्दी शेयर कर दो लाइक कर दो हम लोग टेन एम सी यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं आगे के भी करेंगे जल्दी से लाइक कर दो बस ठीक है लाइक करना नहीं भूलना इलेवन क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने यूजर्स पढ़े थे कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है या हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके यूजर होते हैं कुछ इंटरनल हैं कुछ एक्सटर्नल हैं हम लोगों ने डिस्कस किए थे याद है सबको चलो अब उसी पे आंसर दो कि इनमें से कौन से हैं जो इंटरनल यूजर्स नहीं है ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर एम्प्लॉय या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कौन से हैं जो इंटरनल नहीं है एक बताना है आपको राइट तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर ये क्या है ये तो इंटरनल ही है है ना ये तो कहाँ पे होते हैं बिजनेस के अंदर ही होते हैं एक्सटर्नल हमसे एक्सटर्नल पूछा है नॉट इंटरनल इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल ही हुआ तो हमारे लिए एक्सटर्नल कौन हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ राइट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के वो सोसाइटी पब्लिक में आ जाते हैं ठीक है ओके okay. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हमें यहाँ पे क्या बतानी है लिमिटेशन इससे पहले जो हमने देखा तो उसमें एडवांटेज बताया था इसमें हमसे पूछा है कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी है सबसे पहला क्या है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट ये तो पॉजिटिव पॉइंट है भाई ये तो एडवांटेज है फिर है रिप्लेसिस मेमोरी ठीक है ये भी फिर अगला है हमारा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन और या फिर एविडेंस इन कोर्ट हम लोगों ने एडवांटेज भी पढ़े डिसएडवांटेज भी तो ये जो तीन है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है एडवांटेज है ये तो बेनिफिट हो गए कि भाई एविडेंस होता है कोर्ट में हमारी मेमोरी रिप्लेस मतलब रिप्लेस कर देती है हमारी मेमोरी ठीक है फिर असिस्टेंट टू मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट को भी इंफॉमेसन मिलती है तो ये सारे तो क्या हो गए पॉजिटिव पॉइंट हो गए एक तरीके से बेनिफिट हो गए किस चीज़ के अकाउंटिंग के हमसे पूछा है क्या लिमिटेशन तो लिमिटेशन हमें दिख रही है जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में हमको क्या मिल जाती है

जो हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया उसकी कॉस्ट कितनी आई ये आप किस इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसके थ्रू आप बता सकते हो राइट right? क्या बताना है जो भी गुड आपने मैन्युफैक्चर किया जो भी प्रोडक्शन किया जो भी आपने प्रोडक्ट निकाला उसकी कॉस्ट आप कैसे बताओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग account, के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताओ ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी है बहुत ही ज़्यादा ईजी है आई नो आपको आंसर पता ही होगा इसका आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि हमसे क्या पूछा है कॉस्ट पूछी है किसकी जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की है उसकी कॉस्ट पूछी है तो जाहिर सी बात है वो कैसे पता चलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगी समझ आया बाकी की देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पता चलता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपने कैसे रिकॉर्ड किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो मैनेजर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उनको डिसीजन लेना ये पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है एच आर इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है जो आपके यहाँ एच आर है जो आपके यहाँ पे क्या ह्यूमन रिसोर्स काम करती है जो आपके एम्प्लॉय हैं मैनेजर हैं वो सारे उनका मेंटेन करना उनका मेंटेनेंस किसके अंदर आ जाता है आपका एच आर अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है ठीक है तो इसका आंसर क्लियर हुआ चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज फोर्टीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स हमने क्वालिटेटिव कैरेटरिस्टिक्स पढ़ी थी किसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ठीक है कौन कौन सी थी आपको पता ही है उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देना है सबसे पहला है रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस फिर अंडरस्टैंडबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी ठीक है तो ये तो हमने पढ़ी है तीसरा पॉइंट कह रहा है ट्रू एंड फेयर रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी या फिर नन ऑफ दब तो यहाँ आप देखो सिर्फ कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं दो ठीक है सिर्फ दो बताई है हमने कितनी पढ़ी है टोटल चार पढ़ी थी है ना लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं फिर सेकेंड में भी दो ही बताई है दो गायब कर दी लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ट्रू एंड फेयर रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ठीक है तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी क्योंकि इसमें हमें चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो चारों बताई है बाकी मैं दो दो मिस कर दी ठीक है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी वाला चलो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं विच ऑफ दॉ क्वालिटेटिविस्टिकेशन देखो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने चारों देख ली अब ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए क्योंकि चारों अभी पिछले क्वेश्चन में ही देख के आए हम चारों कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली अब इनमें से बताओ कि कौन सी वाली नहीं है आपको बतानी है सबसे पहला है रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी कम्पेरेटिबिलिटी एंड मटेरियलिटी तो भाई ये तो ज़ाहिर सी बात है ये भी होनी चाहिए ये भी होनी चाहिए ये होनी चाहिए कौन सी होनी जो है वो नहीं है दैट इज़ मटेरियलिटी ये वाली हमने नहीं पढ़ी है ना किसी ने पढ़ी तो नहीं है ऐसा तो कोई नहीं जिसने एक अलग से पांचवी पढ़ ली हो सिर्फ चार ही होती है राइट तो जो नहीं है वो कौन सी है मटेरियलिटी समझ में आया ओके अब पढ़ हैं सिक्सटीन की और चलो फिफ्टीन ही है टोटल हम लोग आज 15 एम लेकर आए हमने 15 एम आज हमने प्रैक्टिस की आई होप आपके एक भी आंसर गलत नहीं हुए होंगे सारे आंसर आपने सही मार्क किए होंगे चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यही मैग्नेट ब्रेन पर जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाते हैं क्लास तो ट्वेल्थ तक uh, केजी से लेके क्लास ट्वेल्व तक हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्व वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ सी एंड अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो लाइक बिहार दिल्ली यूपी एमपी राजस्थान वैदिक मैथ्स या फिर स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे क्रैश कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे ई e नोट्स या ई e बुक्स का बेनिफिट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है एक बार जाके ज़रूर चेक करें आप हमारे कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं चाहे तो आप हमारी वेबसाइट को भी एक बार जाके ज़रूर चेक करें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्लेटफॉर्म uh, पर भी आप मैग्नेट ब्रिंस को फॉलो कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच कीप लर्निंग